दांतों की हर बीमारी के लिए मेरठ का आधुनिकतम और उच्च तकनीक वाला क्लिनिक ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। आनंद डेंटल क्लिनिक A46 साकेत मूर्ति हॉस्पिटल चौराहा मेरठ। मेरठ नगर निगम की कार्यप्रणाली का भगवान ही मालिक है। हापुड़ रोड पर कमेला समाप्त हो गया, नगर निगम की आय भी बंद हो गई, लेकिन वहाँ जानवरों की अवैध पेंट लगना जारी रहा। इतना ही नहीं, वहाँ अवैध पेंट चला रहे लोग बकायदा नगर निगम के नाम पर धनराशि भी वसूल रहे हैं। आज नगर निगम के अफसर वहाँ पहुंचे तो वहाँ अवैध तरीके से जानवरों की पेंट लगी मिली। इतना ही नहीं, नगर निगम के नाम की रसीद बुक भी बरामद हुई। यह रसीद यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि बिना नगर निगम के अफसरों की मिलीभगत के यह धंधा फल फूल नहीं सकता है। इस रसीद बुक पर लिखा है मेरठ जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत। नगर निगम को भले ही इससे नुकसान हो रहा हो, लेकिन इस धंधे को संरक्षण देने वाले खूब फल फूल रहे हैं। इस जालसाजी में शादाब कुरैशी व रिजवान कुरैशी का नाम सामने आ रहा है। अब पेट संचालित करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही जा रही है। मौके पर मौजूद नगर निगम के अधिकारी ने यह जानकारी दी। राजकुमार लोकपाल नगर निगम पंद्रह पेंट लगाई जा रही थी, प्रशासन ने मनाही भी कर रखी है। क्या कार्रवाई की गई है? आज कार्रवाई बंद करा दिया, उसको ताला लगवा रहे हैं हम। उसको अवैध पेंट है, कोई हमारे यहाँ से अनुमति कोई नहीं, नगर निगम की जमीन आ रही है। तो पता लग पाया कौन लोग लगा रहे थे? पता है, हम FIR कराएंगे थाने पर, अभी कराते हैं, आज ही FIR होगी इसकी। और अगर ये दोबारा चालू करेंगे तो फिर पुलिस को बुलाते हैं, फिर कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ। अच्छा, प्रशासन ने पहले ही सख्ती दिखा रखी है कि सरकारी संपत्ति पे या सड़कों पर जो है अवैध पशु पैट नहीं लगाने दी जाएगी, लेकिन बावजूद उसके धड़लने से लगी है। चलो, सब हम अपने काम तो करते हैं, हटवाते हैं, पुलिस भी थोड़ा सहयोग करे तो बैठक जाएगा ही। अब आज भी जाएगा, फिर और भी कहीं सड़कों गली वली में कहीं लगाए अंदर जाकर, लेकिन सड़क से बाधित होती है अगर पैंट लगाएंगे। अच्छा, क्या अभी आपने कहा कि अगर पुलिस भी सपोर्ट करे, क्या पुलिस का सपोर्ट नहीं? नहीं, सपोर्ट मिलता है पुलिस का, इतना थोड़ा ये है, हम लिख के भेजेंगे तो और कार्रवाई होगी फिर। कितने जब आप यहाँ पाए तो कितनी तादाद में पशु थे? 400-500 पशु थे। 400-500 पशु। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।